सके। तो सबसे पहले जो टूल है वो है हमारा बायो रेंडर टूल। जो हमारा बायो रेंडर प्लेटफॉर्म है, इससे जो हमारी टीचर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल हमारे जो बायो की डायग्राम्स हैं वो हमारे बना सकते हैं, हमारी इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारा बायो रेंडर है ये हमारा फ्री है। तो जो हमारा बायो रेंडर है इसके कई सारे फीचर्स जो हैं हमारे फ्री हैं। जब आप मेरे साथ अभी इसे यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके जो फीचर्स अगर फ्री नहीं भी हैं तो भी हम उन्हें फ्री फीचर्स के माध्यम से वो फीचर्स भी हम अपने बना सकते हैं जो कि हमारे फ्रीली अवेलेबल हमारे नहीं है। जो भी हम इमेजेस बनाएंगे वो हम अपने डाउनलोड कर सकेंगे, पर इसमें हम अपने 5 ही इमेजेस जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिनकी मदद से आप 5 से ज्यादा मल्टीपल अनगिनत कितने ही आप इमेजेस जो हैं अपने इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। पर यहाँ पे जहाँ पे डाउनलोड करने की बारी आएगी आप 5 से ज्यादा डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या अलग अलग मैं आपकी मीडियम बताऊंगी कि जिनसे आप मल्टीपल और डायग्राम्स आप अपने कैसे बना सकते हैं। अब हमारा बायो रेंडर जो है वो और हमारे जो टूल्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या हम ऐसे जो हमारे और टूल्स हैं कैनवा, इनसे हमारा बेटर क्यों है? देखो पहले तो ये जो बायो रेंडर बना हुआ है ये स्पेशली हमारे I can't hear the voice. वॉइस नहीं आ रही है क्या सबको? No, it's okay. मैम ये मैम बहुत ऑडिबल लो नहीं है। वॉइस है. मैम योर अभी वॉइस इज टू लो, इट्स नॉट क्लियर ऑडिबल मैम। आ रही है मेरी आवाज सबको? अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज अभी सबको आ रही है? जिनके ऑडियो ऑन है प्लीज अपने ऑडियो ऑफ कर हेलो, लो। योर मेरी आवाज आ रहा है ऑडियो फिर से इज काफी। नो प्रॉब्लम. अभी अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज आ रही है आप सबको? मैम, डू वी नीड टू टेक हाँ स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट और यू विल प्रोवाइड अस विद पीपीटी? आपको पीपीटी मिल जाएंगे और पीपीटी की भी ओके मुझे लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ओके क्योंकि आप बायोरेंडर कैसे यूज कर सकते हैं मैं अपने साथ ही साथ आपको अभी यूज करना बताऊंगी। तो पीपीटी ना ओके भी अगर आप स्क्रीनशॉट्स ना लीजिए पीपीटी आपको मिल जाएगी ओके वैसे बाद में। थैंक यू मैम. पर अभी आवाज साफ है ना सबको? बता ये जिनके ऑडियो ऑन है प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। रहा प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हूँ. ठीक है, जो हमारे बायो रेंडर है ये जो है इसमें हमारा लेस टाइम कंज्यूम होता है। जो क्वालिटी ऑफ इमेज आप रखिए, चलो देखेंगे, जो आप ग्राफ उधर देखेंगे, बैठते हैं. प्लीज आप लोग म्यूट हो जाइए। ठीक है, हाँ, तो बायो रेंडर की हेल्प से जो भी आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जो भी आप पोस्टर्स बनाते हैं, उनमें जो इमेजेस होती हैं वो काफी क्लियर होती है। आप अपने खुद के कुछ आइकन्स या इमेजेस या फोटोज भी जो है आप वो अपलोड करके, अगर मान लीजिए आप कोई रे डायग्राम बना रहे हैं और कोई आप बायो के टीचर है तो आपने खुद ये पाया होगा कि कई बार ऐसी इमेजेस हैं या रे डायग्राम ऐसी चीजें हमें बनानी होती हैं ब्लैक बोर्ड पे जो हमारी किताब में भी नहीं है और हमें रे डायग्राम में हम बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए बनाते हैं। तो आप वो सारी इमेजेस भी आप अपलोड कर सकते हैं खुद के रे डायग्राम में। इसमें कई सारे साइंटिफिक टेम्पलेट्स आप देखेंगे, उन टेम्पलेट्स को आप एडिट करके भी अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। और इसके एक बहुत अच्छी फीचर ये भी है कि आप जो हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉलीग्स हैं या आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो ये बायो रेंडर को एसेस करते हैं। आप आई होप सब लोग जो है अपने डेस्कटॉप से लॉगिंग किया है। हेलो, यस मैम, हाँ, यस तो मैम. आप, हाँ, तो आप सिंपली जो है अपने डेस्कटॉप पे जाके टाइप करिए बायो रेंडर BIORENDER। मेरे साथ ही साथ सब लोग करिए, तो जब आप लोग लॉग इन कर लेंगे तो मेरे साथ ही साथ आप लोग कोई ना कोई डायग्राम बना सकते हैं।
सबने टाइप किया, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी यस मैम, मैम, अभी लॉग इन कर रहे हैं मैम जी ईमेल जी पे। मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम दे रही हूँ। सबको बायो रेंडर मिला अपने गूगल पे ब्राउजर से, सबने सर्च करने की कोशिश की, सबको बायो रेंडर मिला है? यस मैम, ट्राइंग टू लॉग इन। अच्छा, यू आर ट्राइंग टू लॉग इन, ठीक है। तो जब आपने बायो रेंडर सर्च में डाला होगा तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही पेज दिखा है सबको? जब आप साइन अप करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपना नाम डालना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से हैं वो डालना है, और 12 to 72 कैरेक्टर्स आप कोई भी पासवर्ड आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है, आप ये सब इंफॉर्मेशन अपनी फिल कर दीजिए। मैम, ईमेल आईडी चेंज कर हाँ सकते हैं? जी, ईमेल आईडी जो दिए हुए हैं रजिस्टर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं? होटल, आपकी हाँ ऑलरेडी होटल एक एक बार पीडीएफ कर आपकी लो। ऑलरेडी एक ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है? है मैं सकालो पटरी नहीं हाँ बोलो। यस मैम, उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, आपके पास कोई और ईमेल आईडी हो आप उससे लॉगिन कर लीजिए। हाँ, मेरे पास। क्या सभी लोग लॉगिन कर चुके हैं मैडम या मेरे करना जो एटा चाहते कुछ हैं? प्लीज जिनका जाने कोनो काम आ से को जिनका ऑडियो ऑन है प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। क्या सब लोग लॉगिन कर चुके हैं? मैम। यस मैम, आई हैव लॉग्ड इन। जी, हम 8 मिनट वेट कर लेते हैं, हमारे सभी साथी लॉग इन कर पाए, उसके बाद हम कोई भी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। मैम, इट इज आस्किंग फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रायल पीरियड, शुड आई एग्री? हाँ, ट्रायल पीरियड आप बेसिक वर्जन लीजिए। हाँ, ओके। उसने आपसे ये पूछा होगा कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, आप अपने लिए यस ले रहे हैं तो आप अपने लिए लीजिए। हाँ, मैम, इट्स ऑल्सो आस्किंग फॉर द एरियाज ऑफ रिसर्च। एरियाज ऑफ रिसर्च में आप अभी कुछ भी अगर आप पुट कर देंगे, इधर माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी या बॉटनी कुछ आई कैन भी, फिल। हाँ आप कुछ भी कर दीजिए, पर जो इसका होम पेज आएगा वो सबके मैम, इट्स लिए है। आस्किंग फॉर पेमेंट। आपने फॉर माई सेल्फ किया है तो भी ये पेमेंट कर रहा है? यस मैम। नहीं, माई सेल्फ आप करिए तो जो है ये पेमेंट के लिए नहीं करेगा। ओके, आई चेक। हाँ, प्लीज आप चेक कर लीजिए। आपको बायो रेंडर का बेसिक प्लान लेना है, जब आप वो बेसिक प्लान में होंगे वो तब भी आपसे पूछेगा आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, फॉर योर रिसर्च या फॉर योर पब्लिकेशन, तो आप वहाँ पे फॉर माई सेल्फ जो है टिक मार्क करिएगा, ठीक है। A message has popped up on the window. You are on the bio render basic plan. It's okay. It's all right, right? हाँ, बेसिक वर्जन ही आपको यूज करना है। क्या जो आप मेरी स्क्रीन पे जो होम पेज है, क्या आपका होम पेज यस वैसा मैम, ही है? सेम सेम। हाँ ठीक है ठीक है। क्या सभी साथी लॉगिन कर पा रहे हैं, कर चुके हैं? लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं क्या मैम लॉगिन अभी ट्राई कर रही हूँ पेज बट हो नहीं लोड रहा हो है। रहा है मैम? हाँ, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। व्हाट्स योर रोल में क्या करना है मैम? आप कुछ भी यूज मतलब पुट कर दीजिए, एज अ टीचर कर दीजिए, आप कुछ भी रोल अपना लिख दीजिए वहाँ पे, ओके। कोई एक्सपर्ट लिख दीजिए। नीचे की तरफ वहाँ पे ग्रेड फर्स्ट फर्स्ट टू 12th एजुकेटर का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यस मैम, द सेम पेज यू हैव फ्लैश सेम सीन ऑन माय फोन मैम। अच्छा ठीक है।
आई होप मैक्सिमम लोड लॉगिंग कर चुके होंगे अब तक. ठीक है. ठीक है. जब आप लॉग इन कर चुके होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आप ऐसा एक होम पेज पर आप आएंगे. तो ये बायोरेंडर का होम पेज है. यहीं से हम कोई भी इलस्ट्रेशन जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं. जब आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कुछ टैब्स दिए हैं. सबसे अपने लेफ्ट में आप पाएंगे कि फाइल का टैब है. इस फाइल टैब में आप कोई भी इमेज से जो है अपनी सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका कोई कॉपी बना सकते हैं. ठीक है. उसके बाद जो है एडिट का ऑप्शन है. आपको अंडू करना है अपना कोई भी किया काम या पेस्ट करना है कुछ भी, तो आप इस तरीके से जितने हैं हॉरिजॉन्टल टैब्स आप उनको एक नजर डाल लीजिए. फिर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि हमारे जो वर्टिकल टैब्स हैं इनमें जो है हमारे सर्च के नीचे आप देख रहे होंगे कि आइकन्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रशेस हैं. तो बेसिकली इन्हीं सब की हेल्प से हम लोग कोई भी डायग्राम जो है वो बनाएंगे. आप देख रहे होंगे कि आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल टाइप्स दिखेगा, प्रोटीन्स दिखेंगे, न्यूक्लिक एसिड दिखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी दिखेंगी. इनमें इनसे जुड़ी हुई जो भी इमेजेस हैं, जो भी आइकन्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे. ठीक है. ठीक है. उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टेम्पलेट्स हैं. इन टेम्पलेट्स जो हैं ये ऑलरेडी बायोरेंडर के दिए हुए टेम्पलेट्स हैं. इन टेम्पलेट्स में आप एडिट करके अपने द्वारा बनाए गए कोई भी इमेज या तो आप पुट कर सकते हैं, या जिन टेम्पलेट्स में कोई भी जो है लेबलिंग नहीं है या आप समझा रहे हैं क्लास में, तो अपने हिसाब से उन टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं. आई होप सब लोग होम पेज प्लीज डू रिपीट मैम आफ्टर टेम्पलेट्स व्हाट वी हैव टू डू. आप बस अपने होम पेज पे इस समय ना एक नजर डाल लीजिए. मेरा ये मतलब था कि आप हॉरिजॉन्टल जो टैब्स हैं उन पे एक नजर डाल लीजिए और जो वर्टिकल टैब्स हैं उन पे एक नजर डाल लीजिए. उसके बाद जब हम डायग्राम कोई बनाएंगे तो जब हम प्रॉपर यूज करेंगे आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है. मेरा होम पेज सबको विजिबल है इस समय. कितना रुपये पास है? 35. क्या मेरा होम पेज आप सभी को विजिबल है? यस मैम. ओके. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट न्यू मैंने ऑलरेडी ही कुछ जो है इलस्ट्रेशंस बना रखी हैं. तो उनमें से जैसे एक ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप टेम्पलेट देखिए. ये जो टेम्पलेट है ये ऑलरेडी बायो रेंडर की वेबसाइट पे मेंशन है. ठीक है. तो इस तरह का आप कोई टेम्पलेट अगर आप चूज करते हैं तो इस टेम्पलेट में आप अपने हिसाब से अगर आपको लेबलिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से लेबलिंग कर सकते हैं. आपको कोई टेस्ट इंसर्ट करना है आप अपने हिसाब से कोई टेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट इंसर्ट आप कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए आप बाइसेप ही क्यों ना लिखना चाहें. ठीक है. आप अपने हिसाब से
कोई इमेज इसमें ऑलरेडी पुट कर सकते हैं, सपोज अगर मान लीजिए कोई भी आपको बाइसेप एनाटॉमी में यहाँ से कोई इमेज पुट करनी है, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डू ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको वहां पे अपने माउस ले जाना है, उसे क्लिक करना है और उसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। तो आप जो पहले से टेम्पलेट्स हैं उनमें आप कोई भी एडिट कर सकते हैं। ये तो बात हुई टेम्पलेट्स की, जो आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे जहां पे लिखा है स्टार्ट विद द टेम्पलेट। कई अनगिनत जो है टेम्पलेट्स और जो है ऑलरेडी हैं। अब इन टेम्पलेट्स का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पोस्टर्स बना सकते हैं। एक टीचर को कई कई पोस्टर्स भी बनाने होते हैं, तो आप चाहे तो इनसे पोस्टर्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए ये जैसे ये पोस्टर है, ठीक है, इस पोस्टर में सबसे पहले तो आप हाइड ग्रिड कर दीजिए, तो आपको एक सिंपल एक पोस्टर दिखेगा। ठीक है, सबसे ऊपर आप अपने पोस्टर में देखिए टाइटल, जहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी लिखा हुआ है, आप डबल क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी आप इसमें टाइटल अपना डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है ग्रुप, ठीक है, फिर अपने पोस्टर में मान लीजिए आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करिए। कुछ भी आपको लिखना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे होंगे कि टेस्ट है, हमें कैसा फॉन्ट चाहिए, हम उस तरह का फॉन्ट ले सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन के लिए ये बोल रहा है कि ये मेरे फ्री ट्रायल में नहीं है। कई सारे ऐसे हैं जो हमारे फ्री ट्रायल्स में है जिनका यूज का हम कर सकते हैं। हम अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं और हमें कुछ भी हम यहाँ पे अपना जो है एक्स वाई जेड हम कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं। कोई इमेज जो हमें वहां से ड्रैग और ड्रॉप करनी है हम वो कर सकते हैं, और इस तरीके से हम कोई भी पोस्टर्स बना सकते हैं। पर सबसे मेन बात आती है कि आखिर हम जो इलस्ट्रेशंस बनाते हैं, जो हम बायो में डायग्राम्स बनाते हैं, वो हम कैसे कैसे डायग्राम्स हम बना सकते हैं। तो एक डायग्राम, ये क्लास 12th का ये डायग्राम है जिसको पढ़ाने के लिए टीचर जनरली ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि जब हम डीएनए रिफॉर्मुलेशन पढ़ा रहे हैं तो हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी बीच में क्या था कि कोविड आया, कोविड के टाइम पे अगर टीचर को इस तरह की चीजें बतानी है तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक एक चीज कैसे हम ड्रॉ करें और हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो इस तरह की भी चीजें आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आइकन्स दिए हुए हैं वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या ड्रे डायग्राम आप अपने बना सकते हैं। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है लॉगिन। आपका लॉगिन, आपका क्या, आप किस पे लॉगिन कर रहे हैं सर? मैं मोबाइल पर। सर मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप डेस्कटॉप पे लॉगिन करेंगे तो ठीक रहेगा सर। मैम डेस्कटॉप है नहीं एक्चुअली। जी तो सर ठीक है मैं देख रहा हूं इसको। तो आप सुन मैं ले इसको। सर, आप हाँ सुन जी ले। हाँ जी। ओके हाँ जी ओके। सर, यही कर रही अच्छा हूँ, तो मेरा भी लॉग इन अच्छा नहीं करवा हो रहे थे पा आप। रहा हूँ। ये आप लोग के कई चीज आप लोग के नेटवर्क के भी ऊपर डिपेंड करती है कि जी मैम अदरवाइज। प्लीज आप डेमो दिखाइए। आप अच्छा करवा रहे हैं, बिल्कुल अटेंटिव हो गए सुन रहे। जी प्लीज ठीक है मैम, हम लोग अभी देख लेते हैं, उसके बाद हम हाँ लोग करने की कोशिश करेंगे। बाद में जी ट्राई कर लेंगे। जितने जितने भी यस लोगों का लॉगिन हो गया है वो सिंपल जी से सिंपल कुछ भी उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और आप डायग्राम बनाना चालू करिए। देखिए आपने देखा होगा कि मैंने दो जगह दो आईडी से लॉगिन कर रखा है, ठीक है, वो यही आपको बताने के लिए कि आप अपनी मल्टीपल आईडी से अगर आपको सपोज आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि इसमें लिमिट है कि आप खाली 5 ही डायग्राम जो हैं चीजें या पोस्टर या डायग्राम्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप या तो मल्टीपल आईडी यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए एक ये डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने बायो रेंडर की मदद से ही बनाया है। अब मुझे ये जो है कैनवा यानी या फिर ये जो मेरा फ्री जो टेम्पलेट है मुझे इसे रीयूज करना है और मैं 5 ही बना सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी सिंपल कि इसमें बनाई हुई कोई भी चीजें हैं वो मैं डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मैं नीचे जाके ये अपना पूरा का पूरा अपना डायग्राम डिलीट कर दूँ और इसके बाद जो है मैं इसको रीयूज कर लूँ। तो इस तरीके से भी हम इन जो जो हमारे कैनवास हैं या जो ये हमारे जो बायोरेंडर की तरफ से फ्री टेम्पलेट्स दिए हुए हैं हम इनको जो है दोबारा यूज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए अगर आप अपनी आईडी
से लॉग इन करेंगे या आप उसमें रजिस्टर करना चाहेंगे कि आप एक टीचर हैं और आप इसको बायोरेंडर को पब्लिकेशन में यूज नहीं करेंगे, इससे कुछ भी आप मॉनेटरी गेन नहीं लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से उनको एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जो है प्रीमियम वर्जन में भी अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, पहले से बना हुआ कोई भी डायग्राम है आप उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आप यूज कर लीजिए और यूज करने के बाद उसको आप डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट कर देंगे तो जो तीन है, यानी अब मेरे पास दो बनाने के और ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम सिंपल आपको एक इलस्ट्रेशन बना के पहले दिखाते हैं। सिंपल अगर मान लीजिए आपको बच्चों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि कुछ हमारे आइकन्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट पहले के बने हुए हैं, हमें टेम्पलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद का बनाया हुआ कोई भी डायग्राम बनाना है, तो मैं एक नजर डाल लूंगी कि मेरे पास यहाँ पे क्या 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 चीजें मेंशन है। आप सर्च आइकन से भी डायरेक्ट आप वहां पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि क्या मेरे पास ये चीज है या मैम, ये ये। अपनी गैलरी से लाया, गैलरी की आपने हाँ, बनाया? लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ आइकन लिखा हुआ जी, गैलरी, फाइन मिला आपको, जी। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि अब मैं हर आइकन में जाके सर्च करूं कि मुझे प्रॉपर किस चीज की जरूरत है। तो हम एक बार सर्च पे भी चले जाते हैं और देख लेते हैं कि मुझे किस चीज की जरूरत है। मान लीजिए मुझे एक फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के लिए पौधा चाहिए सबसे पहले अपने बच्चे को। तो कई सारे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास प्लांट्स के भी ऑप्शन हैं कि हम कौन सा प्लांट लें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। नहीं आपको ये अच्छा लग रहा है, सिंपल आप चाहें तो उसको डिलीट कर दें, फिर कोई आप जो है अपना प्लांट उठा लें कि मैं इस प्लांट से बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से जो है छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे, जब प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बाई तरफ पा रहे होंगे कि कई सारे और भी आप चेंजेस इसमें फ्री वर्जन में कर पा रहे होंगे कि प्लांट का कुछ कलर में हम चेंज कर सकें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हम चाह रहे हैं कि उसमें हम कुछ चेंज कर सकें, तो इस तरीके से हम इन सब चीजों में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सिलेक्ट ए ट्री, हाँ दिस इज स्मॉल श्रब, हाँ हाँ मुझे बड़ा सा ट्री चाहिए, तो उसका है वहां पे स्टाइल्स नहीं, डिफरेंट है? अगर अगर देखिए अगर उसका वहां पे नहीं है, मान लीजिए आपको सर्च में जाना है और मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्री सर्च किया, पहले तो हम नीचे एक नजर डाल लेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ट्री सर्च किया, ठीक है, क्या है, हम एंटर करते हैं, हमें बायोरेंडर खुद ही बता देगा कि हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए उन्होंने भी ना ट्री के कई सारे हमें जो है दिखा दिया, ऑरेंज ट्री है, फ्रूटलेस है, फ्रूट्स वाली ट्री है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके कोई ऐसा डायग्राम बनाना है या कोई ये डायग्राम इंसर्ट करना है जो बायोरेंडर के जो फ्री चीजें हैं उनमें नहीं है आइकन्स में, तो आप बाईं तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि अपलोड्स लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल से कोई भी एक फोटो आप डाउनलोड कर लीजिए, और मान लीजिए को कोई रे डायग्राम आप बता रहे हैं, किसी की लाइफ साइकिल आप बता रहे हैं और वो डायग्राम इसमें नहीं है, वैसे तो आप बना भी सकते हैं, इसमें कैसे बना सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अगर मान लीजिए बहुत टाइम लग रहा है उस डायग्राम को बनाने में कि मान लीजिए सेल बना रहे हैं आप, अब उसमें कई सारे आपको सेल के ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो वहां में तो एक अपनी लाइफ साइकिल में छोटी पोर्शन के लिए वो सेल चाहिए, तो हम यहाँ से वो फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये बुक की फोटो है, तो मैं सिंपल ये बुक की फोटो मैंने ले ली, पर मुझे तो ये बायो में कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये उदाहरण के तौर पर लिया कि हम किस तरीके से हम कोई भी हमारे पास जो पहले से सेव इमेजेस है हम उसका यूज करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मान ओके लेते हैं हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों को फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं बनाऊं सन, ठीक है, पहले मैं सर्च करूंगी कि सन भी है कि नहीं। हाँ सन सन मुझे दिख गया, मैंने ले लिया, ठीक है। मान लीजिए ये सन मुझे यहाँ पे उदाहरण में अपने नहीं दिखता, तो मैं सीधे जाऊंगी शेप्स में। जब मैं शेप्स में गई तो आप देख पा रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के शेप्स हमारे दिए गए हैं, ठीक है, सर्कल भी है, तो मैं सिंपल से ये सर्कल जो है मैं अपना ले लूंगी, ठीक है। अब जब मैं सर्कल बना रही हूँ तो मुझे चाहिए कि भाई मेरा सर्कल जो है
उसमें येलो कलर का देखे ना भाई, सन है मेरा तो मैं फिल कर लूंगी। तो कोई भी रेनबो का जितने भी कलर आप देख पा रहे होंगे, कई सारे कलर की ये जो पैम्फलेट खुल गई, और आप कोई भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर आप उसका सन का बनाना चाहें कि थोड़ा सा सन मेरा जो है उसका बॉर्डर चौड़ा हो पतला हो, किसी भी हिसाब से आप अपना वो डायग्राम या वो भी जो भी आप जो आइकन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जी ठीक है, मैम, तो इस तरीके से अब सन मेरा ऑलरेडी अवेलेबल था। ठीक अगर है, इसमें चेंज करनी हो इस सन में जो आपने अभी लाया टेम्पलेट से, तो हाँ, अब इसमें मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, मैं ओके क्लिक करूंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मुझे कई सारे सन में दिखा रहा है कि भाई सन है तो येलो कलर का ही चाहिए हमें, तो हम सन पे क्लिक करके इसको येलो कलर का ले लेंगे। ठीक है, अब भाई हमारा प्लांट हो गया, अब हमें क्या चाहिए आप लोग कुछ कुछ बताइए कि मैं क्या क्या ले लूं। भाई मिट्टी तो मैंने ली नहीं है, कार्बन है ना। डाइऑक्साइड हाँ प्लांट में है ही, हमें हाँ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। हाँ हमें वाटर चाहिए, तो अब मैंने सिंपली सॉइल ले ली कि भाई हमें डायग्राम अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो हम ऐसे तो सिंपल दिखा नहीं सकते हैं, है ना। तो हमने सॉइल ले ली, आप देख पा रहे होंगे कि हम अपने हिसाब से उसको एनलार्ज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपने डायग्राम में कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए सॉइल है, सॉइल में ये कौन से दिखा रहा है, उसमें भी वेरिएशंस हैं कि भाई डार्क कलर कर लेंगे, लाइट कलर कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से हम कोई भी चेंजेस इस डायग्राम में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी ने बोला वाटर। ठीक है, बिल्कुल हम वाटर देख लेंगे, क्या हमारे पास वाटर है, दिखा रहा है कि हमें पानी किन किन तरीकों का चाहिए, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि भाई सन में रेज भी तो निकलती हैं, तो हम रेज बना लेते हैं, देखेंगे कि क्या लाइंस में हमारी वो रेज हैं, क्या एरोज में हैं, क्या बाकी सारे ऑप्शंस में हमारा वो चीज दिख रही है। हम कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं, कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं और एक इस तरीके से रेज बनाने की कोशिश करते हैं। रेज में अब हमें एरो चाहिए, तो हम सिंपल शेप्स में जाएंगे और उनका एरो देखेंगे। एरो छोटा कर लेंगे, एरो में भी, और जो आप देख रहे होंगे कि मैंने ये स्पाइरल जो एरो बनाने के लिए लिया, उसमें भी हम कलर के ऑप्शंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें अपने, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें भाई इनकी लेबलिंग भी करके बताना है, तो सिंपल हम जो है सन में आप अपने जरूरत के हिसाब से और रेज बना सकते हैं। कोई भी कलर की आप अपनी रेज बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि भाई हम लाइन का यूज करें या लेबलिंग करें, या इस इमेज में हमें अगर कोई टेस्ट इनपुट करना है, हम कोई टेस्ट इनपुट करें, तो हम वो सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम गए, हमने एरो लिया, एरो में भी हमें ये वाला एरो चाहिए, हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और ये एरो हमारा हम ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें बच्चों को बताना है कि ये भाई रूट है, तो मैं आप देख पा रहे होंगे शेप्स के बगल में टेस्ट दिया हुआ है, आप सिंपल टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ए ब्रैकेट जैसा बनाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे और आप रूट्स लिख पा रहे होंगे। आप चाहे तो लेबलिंग के हिसाब से इसमें, चाहे तो आप फॉन्ट साइज जो है बदल सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, इस तरीके से आप पूरे डायग्राम में आप लेबलिंग कर सकते हैं।
इस तरीके से आप अपने डायग्राम में प्रॉपर लेबलिंग कर सकते हैं। टेस्ट में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको कोई टेस्ट इनपुट करना है, कोई पैराग्राफ इनपुट करना है, कोई सब हेडिंग बनानी है, अपने जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसमें कोई हेडिंग देनी है। मान लीजिए इसी कि आपको कोई हेडिंग देनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आप टेस्ट में सिंपली क्लिक करके कोई भी पैराग्राफ जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आपको यही एक पैराग्राफ में लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम जो है अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखा कि मैंने एक सिंपल फोटोसिंथेसिस का डायग्राम बनाया। इसके अलावा क्या आप में से कोई कोशिश कर रहा है साथ ही साथ बनाने की? यस मैम, आई एम ट्राइंग ओनली द मैम पिक्चर ऑफ आई एम ट्री आई ट्राइंग, ड्रॉप डाउन। ठीक है शुड आई आप शेयर माई स्क्रीन विद यू? यस मैम ठीक आई एम ट्राइंग आई एम डूइंग द डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर राइट नाउ। है, आप स्क्रीन शेयरिंग जिन्होंने कहा बिल्कुल आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। जिन्होंने बना लिया सिंपल, अगर किसी को ट्री में लेबलिंग भी करनी है वो ट्री की लेबलिंग कर सकता है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रीज ले सकता है। इस तरीके से कुछ भी सिंपल से सिंपल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, आप कुछ भी अपना जो है डायग्राम आप बना सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप अपने संगी साथी जो टीचर्स हैं या तो मान पानी लीजिए पिला दिया उसको। कोई कोलैबोरेटर हैं, आप उनके साथ अपना शेयर करना चाहते हैं कि मान लो मैंने इतना ही बनाया और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और मुझे जो है यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो सिंपल मैं शेयर पे क्लिक करूंगी, ठीक है, ये मैं ओनर हूँ। उसके बाद ऐड पीपल यानी किसी भी इंसान की आप ईमेल आईडी या अपने टीचर्स की ईमेल आईडी आप साथ में ले सकते हैं या डाल सकते हैं और उनको इनविटेशन दे सकते हैं। उनके पास इनविटेशन जाएगा, अगर वो बायोरेंडर में लॉगिन कर चुके होंगे या यूजर होंगे, तो इस डायग्राम में, इस रे डायग्राम में आपने कुछ भी अगर बनाया, इवन पोस्टर भी बनाया, तो उसमें वो कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैम हाँ बिल, हाँ जी, वॉल्यूम और वॉल्यूम और दिस साउंड और दिस एनिमेशन कुछ ऐसा हाँ कुछ में डाल सकते हैं नहीं इस नहीं बार। नहीं ये सिंपल जो है हेलो आपके, हाँ मैम जी, हाँ एक्सक्यूज मी, जी, एक स्पीकिंग। मैं ये पूछ रहा था, जैसे ना मैम बात कर रही है, कोई भी जैसे एनिमेटेड वीडियो है सपोज जी करते हैं, जैसे हम शो करना चाह रहे थे यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हाँ हाँ उसके अंदर हाँ कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सही होता है, सही कैसे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है, जी। ट्यूबुलर सिक्रीशन है, यदि वो एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाए नहीं तो सर, ये ये जो सिंपल डायग्राम तो अवेलेबल बहुत हो जाते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। हाँ नहीं सिंपल डायग्राम की मैंने वही वाली आपको बात बोली कि जो डायग्राम आप ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं उसमें तो कई डायग्राम्स हैं, पर क्या टीचर उनको अपने हिसाब से जहाँ चेंजेस करता है वो, और जहाँ पे एनिमेशन वाली चीजें सर आपने बोली, मैं अपने अलग जो मेरा नेक्स्ट टूल है मैं उनमें बताऊंगी। मेरे तीन टूल हैं तो वन बाय वन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल, अगर आपको पोस्टर्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशन बनाने हैं, सिंपल इलस्ट्रेशन बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स बनानी है, आप उनके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन की ही मैंने बात की थी, टीचर जनरली इनको ब्लैक बोर्ड पे बनाता है, तो इन चीजों के लिए तो हमें किसी सिंपल, जहाँ रे डायग्राम्स बना रहे हैं या कुछ सिंपल छोटी क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो वहां पे हमें इतनी जरूरत नहीं है। या हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हम बता रहे हैं तो वहां पे हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम इन चीजों को, हम इस टूल का हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई अपनी स्क्रीन शेयरिंग की बात कर रहा था, जी बताए। Yes, I am sharing now. हाँ, I am sending an image. I just made the DNA. Okay, now please, ma'am, review it. आपने आपने रिक्वेस्ट भेजी है, सर आने वाले हैं, आपने रिक्वेस्ट भेजी है, मैम आई सेव माय पिक्चर, क्या तुम फोन उठाई कहाँ हो बेटा, प्लीज आप लोग अपने जो माइक है वो म्यूट कर दीजिए प्लीज। Ma'am, I am not able to retrieve my diagram. I saved it, but I can't get it back. मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है। मैं कह रही थी कि जो डायग्राम मैंने बनाया था वो सेव कर दिया है, पर मैं उसको वापस लेकर नहीं आ पा रही हूँ। अच्छा, कहाँ पे सेव्ड है वो? अच्छा, आप ओके, कोई बात नहीं, आप बाद में जो है जो ग्रुप बना हुआ आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कम है तो आप इस तरीके से, ये जो टूल है ना, आप इसकी जो फीचर्स हैं जब आप खुद यूज करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि कई सारी इस टूल में फीचर्स हैं। जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को या इवन हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, तो कई सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और हमें फिर वहाँ पे बहुत टाइम लगता है क्लास में पढ़ाने के लिए, या फिर अगर हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इस टूल के इस्तेमाल से आप वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आप ह्यूमन एनाटॉमी में देखिए हायर क्लासेस में वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है टीचर को पढ़ाने के लिए, तो वो इन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकन्स में कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 बताएं। यस मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा था, जी दिव्यांशु, मैंने अपना स्क्रीन आपको दिखाया है लैपटॉप पे, देखिए पर इसमें आ रहा है मैम? नहीं, आपको स्क्रीन तो विजिबल नहीं है। Ma'am, I am showing in my camera. Actually, I am doing it on a laptop and I am using the mobile phone to project that thing. तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, okay, ma'am. Okay, हाँ हाँ, so, yeah. fine. So, I am asking कि ma'am, ये जो मैंने जैसे helical structure का बनाया, तो मुझे ये जो lines है ना, ये इसके color change करने, क्योंकि वो इनका अपना pairing होता है ना, हाँ, तो ये हाँ. मैं ये कैसे चेंज कर सकता हूँ स्पेसिफिक, ऐसे ये सब सिर्फ इतना ही अगर मुझे करना हो तो? अच्छा ठीक है, तो जब आपको इतना ही, ये आपने जैसे हेलिकल लिया है तो ये आपने बना बनाया हेलिकल ले लिया है, ठीक है। हाँ, जब आप ब्रशेस में जाएंगे तो ब्रश में आप पाएंगे कि इस शेप के ब्रश भी अवेलेबल है, तो आपको टुकड़ों टुकड़ों में ये डायग्राम पूरा करना होगा। ठीक है मैम, यही आता है ब्रशेस में, मैंने क्लिक किया तो है। हाँ, आप पूरा नीचे तक आइए तो कई सारे ब्रशेस, जैसे आपने यही जो हेलिकल चीज बताई थी कि ये हाँ, मैंने डीएनए रिकॉम्बिनेशन में भी यूज किया था, तो वहां पे आपको टुकड़ों टुकड़ों में इसको चेंज करना होगा, इसमें क्लिक कर करके आपको शॉर्ट करना होगा, बीच वाली जो लाइंस है वो आपको हटानी होंगी और तब आप हाँ, उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके मैम, आप ट्राई करिएगा, है ना, यस ट्राई मैम, करिएगा, आप एडिट करिएगा और आप उसके बाद जो ब्रशेस दिए हुए हैं उन ब्रशेस में पर्टिकुलर जो लाइन ब्रश लेंगे वो लाइन ब्रश लेके आप जो है चेंजेस कर पाएंगे, फिर आप किसी भी कलर का उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम, आई विल ट्राई देन। ओके मैम, थैंक यू।
तो ये था हमारा सिंपल, अगर हमें डायग्राम्स बनाने हैं तो हम क्या 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 एक्सक्यूज हाँ जी मी मैम, चूंकि मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ तो जी कोई ऐसा ऐप नहीं है सर मैम जो मोबाइल पे काम करता हो, क्योंकि आपने बताया कि ये आप सिस्टम पे ही यूज कर सकते हैं नहीं, तो. मोबाइल में भी इसके सारे फीचर्स तो देखिए आपको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और इन चीजों में जहाँ पे आप लेबलिंग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आपको बार बार वो ड्रैग एंड ड्रॉप मोबाइल में यूज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप डेस्कटॉप यूज करेंगे तो आप थोड़ा इजिली उसे कर पाएंगे। ठीक है, ओके मैम. हेलो मैम, जी हेलो मैम, आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम जी जी मैम. एक्चुअली मैं इसको मोबाइल पे रन कर रही हूँ. मतलब मैम, हाँ मेरा क्या जी हो रहा है कि जैसे मैंने ट्री का पिक्चर पहले लिया मैम, ठीक है हाँ देन लीफ का पिक्चर मैंने ड्रैग आउट किया, एरोज ड्रैग आउट किए, बट दे आर पेस्टिंग ऑन द सेम. एरोज मीन्स मैम, मेरा ट्री और मेरा लीफ और मेरा एरो तीनों हाँ एक ही पिक्चर पे ड्रैग हो रहे हैं. मीन्स मतलब एक ही पिक्चर पे उस पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, मतलब ओवरलैप हो रहे हैं, वो अलग से नहीं हो पा रहे हैं. आई डोंट नो. वो मोबाइल की दिक्कत है। आप मैम डेस्कटॉप पे यूज करेंगी ना तो आप क्लिक करके सिंपल उनको मूव कर पाएंगी। ओके मैम, मीन्स इट विल हाँ रन मोर स्मूथली ऑन द डेस्कटॉप ना हाँ जी हाँ जी आप जैसे आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप क्योंकि एक के ऊपर एक अभी वो मैम. है तो आप क्लिक मैम, करके आई ना वाज उनको शोन बाय डिस्प्लेस द नहीं कर पा रही हैं आप। कैमरा मैम. आई हैव ट्राइड इन द टैब मैम. मैं एक बार ही दिखाऊं तो, सो दैट यू कैन हेल्प मी आउट. जी मैम, ये प्रीमियम वर्जन है मैम, फ्री वर्जन नहीं है कोई हमारे पास इस तरह का. नहीं, ये बेसिक वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं, मैंने प्रीमियम वर्जन यूज नहीं किया है। मैम, इसमें मैं यूज कर रही हूँ तो ये प्रीमियम बता रहा है. आपने मैम बेसिक वर्जन पे क्लिक नहीं किया होगा, आप बेसिक वर्जन पे क्लिक करती ना तो मैं भी बेसिक ही वर्जन यूज कर रही हूँ मैम। मैंने कितने ही ओके सारे मैम, जो डायग्राम्स अभी आपको दिखाए हैं मैंने बेसिक वर्जन में ही दिखाए हैं मैम। देखिए आप ऊपर देख पा रही होंगी कि मुझे भी अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं। ओके मैम, आई विल ट्राई अगेन. हाँ तो आपने प्रीमियम वर्जन मैम लिया होगा, मे भी इसीलिए प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है आप बेसिक वर्जन करिए तो आप कई सारे ओके डायग्राम्स मैम, तो मैम आप बेसिक वर्जन में ही बना लेंगी तो आपको प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे मैं बता दूं चलो कि अगर आप लो प्रीमियम आप थोड़ा यूज करेंगे ना तो बायो रेंडर जो है वो मैसेज देता है कि अब जो है आप बायो रेंडर चाहते हैं कि आप अपने टीचिंग लर्निंग में इसको यूज करें तो आप क्यों यूज करना चाहते हैं। अगर आप वो एक सिंपल इनका फॉर्म होता है वो फिल कर दे तो आप ये एज अ प्रीमियम मेंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है इज इट पॉसिबल फॉर अस टू पुट द इमेज, लाइक अगर फर्स्ट मैंने रूट का पिक्चर दिया हुआ है एंड देन सॉइल, आई वांट द रूट टू बी ओवर द सॉइल, तो जैसे वी डू ऑन पावरपॉइंट वी डू द ट्रांसपेरेंसी. मैम, आपकी आवाज जो है ना वो बहुत इको कर रही है मैम, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। एम आई क्लियर नाउ? हाँ जी मैम बताएं। सो इमेज, जैसे मैंने रूट का इमेज दिया था, आई वाज ट्राइंग टू से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स. तो जो हाँ सॉइल के ऊपर मुझे रूट का इमेज, आई वांट टू प्लेस इट ओवर इट, तो अभी इट गेट्स ब्लॉक, सिर्फ सॉइल दिखता है, यू कांट सी द रूट. सो इज मैम देयर लाइक ट्रांसपेरेंसी और समथिंग दैट वी कैन नहीं नहीं मैम आप ओवरले इमेज किया? मैम आप इमेज पे इमेज नहीं ला पाएंगी। फिर आपको रूट्स बनाने के लिए देन अगेन ब्रशेस में जाना होगा या फिर जो एरोज दिए हुए हैं उनकी मदद से सिंपल जो स्पाइरल वाला है उनकी मदद से आपको रूट्स बनानी होगी मैम। ओके ठीक हाँ है. ठीक है तो ये था हमारा बायो रेंडर। ठीक है अब हम अपने दूसरे टूल के बारे में बात करते हैं। हमारा दूसरा जो टूल है वो है हमारा सेल्स अलाइव। ठीक है अब सेल्स अलाइव क्या है भाई, हमें सब जो है सेल क्योंकि बेसिक यूनिट होता है जब हम बायो पढ़ाना है शुरू करते हैं या बायो समझना शुरू करते हैं तो हम सभी सबसे पहले आते हैं सेल्स में। ठीक है तो ये जो है टूल हम अब कैसा यूज कर सकते हैं, आप सिंपल सब लोग जाइए और सेल्स अलाइव सर्च करिए, चाहे आप मोबाइल पे ही करिए चाहे आप डेस्कटॉप पे करिए, आप कहीं पे जाइए और सेल्स अलाइव सर्च करिए। मैं स्पेलिंग बताऊं, CELLSALIVE।
सबने सर्च किया? मैम इसमें लॉगिन वगैरह नहीं है? नहीं, इसमें कुछ लॉगिन नहीं है। हाँ बेस्ट चीज इसकी यही है कि एकदम आप से इसको, ज्यादा हाँ जी, इसमें कुछ भी आपको लॉगिन या अपनी इन्फो नहीं डालनी है। आप इवन ऑफलाइन भी यूज करेंगी तो जो इसके एनिमेशंस आप ऑनलाइन पा रहे होंगे वो आप ऑफलाइन में भी, सम पिक्चर्स, इंटरैक्टिव सेल मॉडल, सेल पजल्स एंड गेम, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर फ्लैशिंग ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक आप सब लोग जो हैं वो सेल्स अलाइव जो है अपना सबने ओपन कर लिया है, लॉगिन की तो हमें जरूरत नहीं है। क्या इस तरह का होम पेज आ रहा है चाहे आप मोबाइल पे भी क्यों ना यूज कर रहे हो? यस मैम, हाँ जी। क्या यस हर कोई मैम, ओपन कर पा रहा है? यस मैम, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब मान लीजिए आप बच्चों को सेल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब सेल्स में भी अगर आपको चाहिए कि हमारे जो सेल्स है वो हमारे इंटरेक्टिव है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बच्चों को सेल्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आप कंटेंट्स हैं, ठीक है, कंटेंट में भी सेल बायोलॉजी के चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी के चाहिए, आपको किस पर्पस के लिए अपना ये आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो, कंटेंट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आता है, आप देख पा रहे होंगे कि गेम्स, पजल्स हैं, मॉडल्स हैं, माइटोसिस, मियोसिस है, हाउ बिग, इस तरह की चीजें। देन आपका लास्ट में है स्टडी। होम पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ही हम लेके चलते हैं कि इंटरेक्टिव सेल मॉडल्स, ये हमारे प्लांट और एनिमल सेल के बारे में और हमारे बैक्टीरिया सेल मॉडल्स इसमें है। सिंपल हम प्लांट और एनिमल सेल अभी देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि एक पेज आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आएगा, चाहे आप मोबाइल पे यूज करें, सब बेस्ट चीज ये है कि आप मोबाइल पे भी। मैम, जी जैसे मैं इनकी पीपीटी देख रही थी, एनिमल सेल्स की काफी अच्छी है। लाइक जी जी हम इनकी पीपीटी का यूज करके अपने वीडियोस भी बना सकते हैं, तो हाँ जी, हाँ जी, आप ये कोई इसमें कॉपीराइट कोई इशू? नहीं, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। थैंक यू। पर देखिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप पब्लिकेशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि पब्लिकेशन जहाँ पे आता है वहाँ पे साइटेशन एंड ऑल हमारी विभिन्न प्रकार की चीजें आ जाती हैं, तो आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम, दिस कम्स अंडर विच अप टैब? सेल मॉडल्स? हाँ, सेल मॉडल, इंटरेक्टिव सेल मॉडल्स। ओके, ठीक है, हाँ, इंटरेक्टिव सेल मॉडल में भी एनिमल प्लांट सेल दिखा रहा होगा, बैक्टीरियल सेल दिखा रहा होगा। सिंपल एनिमल प्लांट सेल पे क्लिक करिए तो इस तरीके से एक आ रहा होगा पेज। अब आप एनिमल सेल पे क्लिक कर दीजिए तो आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत एनिमल सेल का जो है एनिमेटेड डायग्राम आपके सामने विजिबल होगा। आप किसी भी ऑर्गेनेल पे क्लिक करेंगे तो वो उसका फंक्शनिंग बता देगा। नीचे सारे ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस हो गया, साइटोसोल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, तो इनकी फंक्शनिंग क्या है? क्या मोबाइल में क्लिक कर पा रहे हैं? मैम ऑन माई स्क्रीन डिफरेंट, यू नो द डिफरेंट पीपीटीज आर डिस्प्लेड मैम, जो आपके स्क्रीन पे है वो नहीं शो हो रहा है। आपने पीपीटी पे क्लिक किया है, आप सिंपल होम पेज पे जहाँ पे इंटरेक्टिव सेल मॉडल है आप वहां पे क्लिक करिएगा मैम। ठीक है, हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने एनिमल सेल पे क्लिक किया, और देखिए मैं जैसे ही सेल वॉल पे क्लिक करूंगी तो ये तुरंत बता देगा कि भाई एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। क्लोरोप्लास्ट पे क्लिक करूंगी तो एनिमल और प्लांट सेल में इस तरीके से आप डिफरेंस भी अपने स्टूडेंट्स को बता पाएंगे। तो इस तरीके से इस जो सेल्स अलाइव है हमारा, उसमें कई सारे फीचर्स हैं,
जो आप यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, और अपने बच्चों को इंटरेक्टिव एनिमेटेड जो है सेल्स के डायग्राम्स आप बता सकते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं किसी दिन पढ़ने के लिए, या मान लीजिए आप सेल से क्यों ना पढ़ा रहे हैं और आप डिफरेंस बिटवीन द प्लांट और एनिमल सेल बता रहे हैं, अब बच्चों का नहीं इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या है आप देख पा रहे होंगे कि सेल पजल्स और कुछ हमारे गेम्स भी हैं। तो मान लीजिए मैच द फॉलोइंग है, सेल ऑर्गेनल्स को मैच कर सकते हैं, तो जैसे सेल ऑर्गेनल्स को मैच करना है तो सिंपल इस तरीके की पजल्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, इस तरह की पजल का क्लासरूम में यूज करने से फायदा क्या होगा टीचर को? दिस इज एन इवैल्यूएशन टूल, अ सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन टूल, पजल ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो सकती है मैम। लर्निंग होगी प्लस इवैल्यूएशन भी होगा, पता चलेगा, रिकैप्चुलेशन भी हो जाएगा सॉर्ट ऑफ। हाँ, और आप और जब बच्चे, देखिए बच्चों को जो है क्लासरूम में वही पढ़ते पढ़ते बच्चे भी बोर हो जाते हैं, इस तरह की जो पजल्स बच्चों के सामने आती हैं वो खुद करते हैं, उनको मजा भी आती है। साथ ही साथ देखिए कई सारी जो चीजों की स्पेलिंग्स हैं वो जब बच्चा बार 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 बार, एक होता है ना रिपीटिशन होता है तो हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, तो बच्चा बार 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 देख रहा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, फिर देख रहा है कितनी जल्दी जल्दी उसकी ना आंखों के आगे जो है ये जो वर्ड्स हैं ये जो है आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तरीके से खेल खेल में जो है हमारे सेल ऑर्गेनल्स की स्पेलिंग, कहीं देखिए आप बच्चे जो है न्यूक्लियस भी होता है। तो Excuse me, ma'am. जी मैम, मैं मोबाइल से कर रही थी तो मैं होम पेज पर भी पहुंच गई, फिर वहां से मैंने स्टडी लेके, और जो एनिमल सेल आप बता रहे मैम वहां कैसे पहुंच गए हैं वो मैम वो नहीं हो पा रहा, जैसे ही मैं एनिमल चूज कर रही हूँ तो वो नीचे वो लिखा हुआ आ रहा है टाइगर अंग्रेजी हिंदी ऐसा कुछ करके। मैम आप, आपने जो अपने सर्च किया है उसका प्लीज एक बार नाम बताइए, आपने ऊपर क्या सर्च में डाला है? सेल्स अलाइव मैम मैंने, हाँ यस मैम मैंने यही डाला हुआ है सेल्स अलाइव, और मैम फर्स्ट पेज वही निकल रहा है जो आपने बताया था। अच्छा फिर उसके बाद मैम मैं होम पेज पर हूँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, फिर मैम मैं इसके बाद क्या लेना था जी? इस तरह का होम पेज आप देख पा रहे हो जैसे इस समय मेरे स्क्रीन पे? यस मैम, आपका ये हॉरिजेंटल मतलब मेरा ऐसा हॉरिजेंटल उस फॉर्म वर्टिकल फॉर्म में आ रहा है एक ही लाइन में, और लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो मैम आप प्लांट और एनिमल सेल आपके में लिखा हुआ है आप पा रहे हैं? यस मैम लिखा हुआ है, उस पे आप क्लिक करिए मैम। मैम उस पे क्लिक कर रही हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है, उसके नीचे वो कुछ उसको डिस्क्राइब करके कुछ ऐसा बता रहा है वो। मैम मैं फिर आपको यही सलाह दे सकती हूँ कि आप एक बार डेस्कटॉप पे ट्राई करिएगा और फिर आप देखिएगा कि आप कैसे मतलब इसको यूज कर पा रहे हैं। मैम कुड वी डाउनलोड इट? ओके मैम, ओके मैम, मैं देख लूंगी बाद में, अभी आप बताइए कंटिन्यू। एक बार प्लीज कंटिन्यू करें क्योंकि बेटा के बाद में हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ मैम, कुड वी डाउनलोड दीज एनिमेशंस? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है इनको सेव करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आप एक्सप्लोर में, मैं कहाँ पे थी, मैं पजल्स के बारे में बता रही थी है ना, तो आप पजल्स का यूज कर सकते हैं, माइटोसिस में मैच द फॉलोइंग है, आप इस तरह की चीजों का भी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आप देखिए स्टडी दिया हुआ है। ठीक है, स्टडी वाले में क्विजेज हैं है ना, आप क्यूजेस का अपनी क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, बच्चों की जो है असेसमेंट कर सकते हैं क्यूजेस का इस्तेमाल करती है, या फिर क्यूज ऑन सेल बायोलॉजी है, क्यूज ऑन माइक्रोब्स है, क्यूज ऑन द इम्यून सिस्टम है, और सिंपल जो है देख पाएंगे आप वर्कशीट्स हैं। अब इन वर्कशीट्स में आप सिंपल इनको सेव करके अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क में भी दे सकते हैं। देखिए कितनी एक अच्छी वर्कशीट आई कि आपने सेल पढ़ा दिया बच्चों को, अब आपको बच्चों को जो है इन ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बच्चों का असेसमेंट लेना है, तो सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अपने स्टूडेंट्स को आप दे दीजिए, और वो इसको एज अ होमवर्क भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने स्टूडेंट्स को एज अ होमवर्क एज अ असेसमेंट भी इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए जितना ज़्यादा इस टूल का आप खुद से इस्तेमाल करेंगे आप जो है समझ पाएंगे कि कितने ही मतलब अच्छे फीचर्स स्कूल में हैं जो आप अपनी ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग इवन आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या आप होमवर्क दे रहे हैं, तो
तो आप बच्चों को इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? But there are only limited topics in this proper... हाँ, ये पूरा सेल के ऊपर है, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इस तरह की चीजें आप इनमें बता पाएंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट टूल पे क्या? अच्छा, सब लोग इसे अपने डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो ये हमारा टूल था, हमारा सेल्स अलाइव, और इससे आप एक फन तरीके से ना सिर्फ बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और बच्चों का असेसमेंट भी आप ले सकते हैं। सबसे लास्ट टूल के बारे में हम बात करेंगे, हमारा बायो डिजिटल, ठीक है? बायो डिजिटल को एसेस करने के लिए आप सिंपल जो है टाइप करिए www.biodigital.com। बायो डिजिटल जो है ह्यूमन, एक ये 3D इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप कई प्रकार के एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, डिजीजेस, उनकी ट्रीटमेंट की 3D जो है वीडियोस आप देख पाएंगे, और अपने क्लासरूम में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हायर क्लासेस के लिए, 11-12 के बच्चों के लिए बायो डिजिटल जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपल आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साथ ही साथ देखिए, अगर इसको एसेस करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है? तो सिंपल आप टाइप करिए बायो डिजिटल, तो बायो डिजिटल ह्यूमन नाम से आ रहा होगा, तो biodigital.com आप जो है ओपन करिए। देखिए, इसमें जब आप सर्च करेंगे बायो डिजिटल ह्यूमन, आपने सर्च किया, ठीक है, तो आपको इस तरीके से पेज आ रहा होगा, एक लॉगिन पेज आ रहा होगा, आप लॉगिन पे क्लिक करिए, सॉरी गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करिए, तो इस तरीके का एक पेज आएगा। आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी है वो आप इनपुट कर दीजिए इसमें। तो इनपुट करने के बाद आप ईमेल से इसमें साइन अप कर सकते हैं। ईमेल से जब साइन अप कर देंगे तो एक इस तरीके का बायो डिजिटल का आपको होम पेज दिखेगा। क्या आप साइन इन कर पा रहे हैं? मैंने सर फ्री वाला वर्जन में है उस पे क्लिक करना है या साइन अप वाला, लॉगिन वाला? फ्री, फ्री वर्जन मैम। हर कोई साइन इन कर पा रहा है? आई होप अब तक सबने लॉग इन कर लिया होगा। देखिए, मुझे आप लोगों की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लॉग इन कर चुके होंगे, टाइम कम है तो जल्दी से हम ये टूल भी एक्सप्लोर कर लेते हैं साथ में। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना आप लोग के पास? Yes, ma'am. तो लॉग इन क्या मतलब? डाटा कंज्यूमिंग है ना, इस वजह से थोड़ा स्लो लोड हो रहा है। हाँ जी, ये तो मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बोलूंगी कि ये थोड़ा मैम ज्यादा ग्राफिक्स चल रही है, दैट्स क्वाइट यूजिंग हां, इट विल टेक टाइम, पर ये बहुत आई मीन अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट्स अबाउट द एनाटॉमी मैम। हां, इट्स अबाउट द एनाटॉमी।
हाँ ठीक है, तो जिनका क्योंकि टाइम कम है देखिए, तो हम जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। आप लोग बाद में जो है जब लॉगिन कर लें, अभी समझ लीजिए, बाद में लॉगिन करके आप ये सारे फीचर्स देखिएगा, ठीक है? ओके, तो जब आप लॉगिन कर पाएंगे तो देखिए मुझे भी अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आप 10 जो है एनाटॉमी या 10 एनिमेटेड जो चीजें हैं या 3D डायग्राम जो है वो 10 एक महीने में देख सकते हैं, ठीक है? तो 10 बहुत है, नहीं तो कोई और ईमेल आईडी से यूज कर लीजिएगा। तो सिंपल आप पहले एक्सप्लोर में जाइए, ठीक है? आप एक्सप्लोर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई प्रकार के एनाटॉमी और स्पेशलिटीज जो है आप सामने देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्फेक्शियस डिजीज हमने लिया और हमें अपनी क्लासेस में बताना है, या हमारे छोटे बच्चे हैं या हमारे बड़े बच्चे हैं, हम किसी भी क्लास में बताएंगे, तो आप देखिए कि किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीजेस के यहाँ पे आप 3D स्ट्रक्चर्स देख पा रहे होंगे, ठीक है? आप सिंपल किसी भी एक स्ट्रक्चर पे क्विक व्यू पे क्लिक करिए, ठीक है? आप ऐड टू माय लाइब्रेरी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और सिंपल इसका व्यू टूर भी कर सकते हैं। सिंपल आप इसको अगर आप सम पढ़ा रहे हैं अपने क्लासरूम में तो आप सिंपल यूज करिए पहले। देखिए अब चिकन पॉक्स है, ठीक है? आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे तो आप सिंपल किसी भी चीज पे क्लिक करेंगे। अगर आपके क्लासरूम के अंदर डेस्कटॉप की फैसिलिटी होगी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्लासरूम में बच्चों को चिकन पॉक्स और उससे जुड़े हुए सिम्टम जैसे कि फीवर हो गया, बॉडी के ऊपर हमारे कैसे विभिन्न प्रकार के हमारी स्किन में रैशेज हो जाते हैं, हमारे ब्लिस्टर्स स्किन में होते हैं, आप सिंपल उनको क्लिक करके भी बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे होंगे कि सिलेक्शन टूल है, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को टिक कर सकते हैं और वो हमें उसकी इन डेप्थ कि भाई फीवर में हमारे किन पर्टिकुलर हमारे ऑर्गन के ऊपर हमारे असर पड़ रहा है हम वो समझ सकते हैं। सिंपल आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करिए, पढ़ा रहे हैं सिंपल कि यहाँ पे फीवर है, ये चीजें हो जाती हैं, आप सिंपल यहाँ पे लिख सकेंगे, ठीक है? टेस्ट, टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल कोई भी टेस्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? कि ये है बॉडी के अंदर ये चेंजेस हो जाते हैं, सिंपल इस तरीके से। हाँ तो इस तरीके से आप बायो डिजिटल ह्यूमन ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब खुद ही आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी में कितनी सारी चीजों को आप बच्चों को 3D वे में कितने अच्छे तौर पे आप बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एनाटॉमी बाय सिस्टम्स आप ले लीजिए, आप बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हैं। मैम ये ऑफलाइन में भी सेव हो सकता है क्या? मैम 3D है तो ऑफलाइन में तो मैम सेव एज एन इमेज ही हो मैम ये हो पाएगा। शेयर कर सकते हैं मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं ये। आप बाकी मैम कस्टमाइज करेंगे जब, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे कस्टमाइज करने का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम ही आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपने बच्चों को पूरा जो है, देखिए ये मुझे तुरंत वार्निंग देगी कि यू हैव व्यूड 8 of 10 मॉडल्स दिस मंथ, यानी कि हम 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल तो यहाँ पे आप एज एन चैप्टर सिंपल आप यहाँ से शुरू करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका फ्रंट आप गया, एड चैप्टर करिए आप लिवर, पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गन ले लेके भी आप सारी चीजें बच्चों को आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल जो है बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा दिया, ऐड अ क्वेश्चन कर दीजिए और मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि भाई लिवर का क्या फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रिव्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और आप अपने बच्चों से उसके बाद में सेव करने के बाद में जो भी आपने MCQ बनाया हुआ है आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है? अब कई बार आप इवन देखेंगे कि बच्चे हायर क्लासेस तक भी पहुंच जाते हैं,
स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बच्चे उसी में भी उलझते रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है तो क्या हमारा है। तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल से जब आप अपने डेस्कटॉप पे आप लोग एनलार्ज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी आप कैसे अच्छे तरीके से आप अपने बच्चों को जूम इन जूम आउट करके आप समझा सकते हैं। रोटेट कर करके बच्चे प्रॉपर एक एक ऑर्गन समझ सकते हैं, कैसा हमारा लीवर दिखता है, हमारा कैसा स्टमक है। एक रियल फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों को दिख सकता है। ठीक है, तो इस टूल का भी आप लोग यूज करिए अपने क्लासरूम के अंदर। उसके अलावा मैं दो टूल आपको और बता देती हूँ, वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में नहीं लिया है, आप लोग बाद में यूज करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। एक है प्लांट्स ऐप। प्लांट्स ऐप को आप सिंपल, अगर आप लिव इन मोबाइल में भी आप इसको सर्च करिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, कोई भी जो प्लांट का जो आप मिलेगा उसकी इमेज आप फोटो क्लिक करिए तो वो आपको उस प्लांट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी खासियत के बारे में बता देगा। दूसरा है HHMI बायो इंटरैक्ट। मैम मैम आप उसको प्लीज टाइप कर दीजिए, क्या बताया था, प्लांट प्लांट्स है। मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। प्लांट्स ऐप, हाँ प्लांट्स मैप। मैं जो हूँ प्लांट्स मैप। हाँ मैम मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट रूम्स विल क्लोज इन द 54 सेकंड्स। ओके हेलो हेलो जी, ये ब्रेकआउट रूम थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे तो मैं जल्दी से बस चैट मेंशन कर देती हूँ। यस मैम, वो दोनों वेब का प्लीज, और बाकी मैं बाद में भी आपको ग्रुप में बता दूंगी। ठीक है, कॉपी पेज नहीं होता है क्या? नहीं जी, आपने क्या कहा? हेलो HHMI बायो इंटरेक्टिव में आप लोग अपनी गवर्नमेंट आईडी लगाएंगे तो इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करिएगा। आपकी आईडी लगाने के बाद ये आपको 10 दिन का टाइम लेंगे और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म